आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। बिहार में जब से नीतीश सरकार ने भारतीय जनता पार्टी यानी कि केंद्र की मोदी सरकार को तलाक दे दिया और अपना गठबंधन तेजस्वी यादव के साथ कर लिया और तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद तमाम गोदी मीडिया के एंकर बुरी तरीके से बिलबिलाए हुए हैं, जहां हमने देखा कि किस तरीके से अंजना ओम कश्यप को विरोध का सामना करना पड़ा, तो हमने तस्वीर देखी कि अर्नब की रिपोर्टर को भी वहां पर जलालत का सामना करना पड़ा। पर मैडम रूबिका लियाका जो है बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और बौखलाहट में लगातार एक के बाद एक तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए ट्वीट लिख रही हैं, या यू कहें कि भारतीय जनता पार्टी का बिहार से खदेड़ा क्या हुआ, मैडम रूबिका लियाका जो हैं अपनी छाती पीटती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आ रही है, जहां उन्होंने एक वीडियो साझा करते हुए तमाम बातें कही हैं। पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। 10 लाख नौकरियां कैसे और कब, और जो कमिटमेंट हम लोगों का है उससे हम लोग पीछे नहीं हटने वाले। बनेगा आप लोग का अभी एक बार सारी चीजों को हम लोग रिव्यू कर ले, ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, ट्रस्ट वोट के बाद आपको आंकड़े भी बता दें। आपने ये वीडियो देखा जहां पत्रकार जो है वो रोजगार को लेकर के सवाल पूछ रहा है तेजस्वी यादव से। तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री, उन्होंने इसका बखूबी जवाब दिया। पर मैडम रूबिका लियाकत इसी वीडियो को शेयर करते हुए अपने ट्विटर पर लिखती हैं कि 10,000 नौकरियों पर साफ जवाब नहीं दे पाए तेजस्वी, कहा हम सीएम नहीं, एक बार ट्रस्ट वोट हो जाने दीजिए, आंकड़ा आपको बता देंगे। जहां उन्होंने ये कहा और ये बताने की कोशिश रूबिका लियाकत ने की कि साहब यहां पर जो है आप स्पष्ट बात नहीं कर पा रहे हैं, नौकरी को लेकर के आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं, जो नौकरी का सवाल केंद्र की मोदी सरकार से पूछा जाना चाहिए था, तो राज्य के उप मुख्यमंत्री को घेरती हुई तेजस्वी यादव को नजर आ रही रूबिका लियाकत। तो वहीं रूबिका लियाकत एक और ट्वीट करती है खासतौर पर तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए, जहां वो लिखती हैं कि 2024 का चेहरा कौन, तेजस्वी विपक्ष को जल्द से जल्द बैठकर फैसला करना चाहिए, बैठकर तय करना 2 मिनट का काम है, किसी भी नाम को ईमानदारी से आगे कर दो। मैडम रूबिका लियाकत ये कहना चाहती हैं इस ट्वीट के माध्यम से कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अलावा कोई और ईमानदार नेता नहीं है, जो ईमानदार हो उसका नाम आगे कर दें। ये ठीक वैसे ही बात हुई कि जिसने पाप ना किया हो वो पहला पत्थर आकर के मारे, जहां ये बताने की कोशिश की जा रही है कि भ्रष्टाचार में तमाम लोग लिप्त हैं पर केंद्र की मोदी सरकार जो है साफ सुथरी छवि की है। तो वहीं रूबिका लियाकत एक और ट्वीट तेजस्वी यादव को टारगेट करते हुए लिखती है, हम सत्ता के लोभी नहीं हैं, हमारे स्वभाव में बेईमानी नहीं है, हम जब उप मुख्यमंत्री थे तब एक भी भ्रष्टाचार का आरोप हम पर नहीं लगा। तेजस्वी यादव को लेकर के ये बातें कहती हुई दिखाई देती हैं रूबिका लियाकत। तो रूबिका लियाकत एक और ट्वीट करती हैं कि मैं स्टूडियो से देख रही हूं और कुमार पन्नकर का ये इंटरव्यू तेजस्वी यादव के बीच सवाल जवाब का सिलसिला आपने देखा, ये एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, जहां तेजस्वी यादव को घेरती हुई रूबिका लियाकत लगातार नजर आई, पर उनको ये करना भारी पड़ गया है, जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई और हारून खान लिखते हैं, अरे टोनिका लियाकत कल सरकार बनी, आज ही नौकरियों पर जवाब चाहिए, इतनी ईमानदारी के साथ नरेंद्र मोदी को टीवी पर बैठाकर 2014-2019 के चुनावी मुद्दों पर सवाल करने में डर लगता है, एक ही दिन में बिहार गरीब हो गया, अपराध बढ़ने लगे, हिंदू खतरे में आ गया, यानी एपीपी सरकार गिरने से पहले झूठ बोलता था। ये सवाल का जवाब आम जनता रूबिका लियाकत से पूछ रही है।
तो वहीं डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती हैं, ऐसा ही एक सवाल मोदी से कभी किया तुमने कि 2 करोड़ रोजगार हर साल कैसे देंगे आप बताइए। तो वहीं गौरव पांडे आईना दिखाते हुए रूबिका लियाकत को लिखते हैं कि वादा तेरा वादा, वादे पे तेरे मारा गया बंदा बिहार का सीधा साधा। तो वहीं एक कुलदीवर सिंह लिखते हैं, पापा की परी अपने पापा से भी पूछ लो 15 लाख कहाँ हैं, 15 अगस्त 2022 तक सबको पक्के घर कहाँ हैं, इतना भी मत गिरो कि उठने में दिक्कत आ जाए। जहां लोग सीधे तौर पर रूबिका लियाकत से सवाल कर रही हैं, तो वहीं दीप लिखते हैं, क्या आपने नरेंद्र मोदी जी से कभी 2 लाख रोजगार का हिसाब मांगा है, पिछले लगभग 9 वर्षों में नहीं ना, तो गोदी मीडिया कौन बन गया, जवाब आपको चाटना था, आप तो पत्रकारिता की परिभाषा ही बदलने में लग गए, भाई जान हद होती है चाटुकारिता की भी। तो वहीं एक और शख्स आसिफ आर्यन सवाल कर रहे हैं, खासतौर पर रूबिका लियाकत से, बम बारूद दंगा भगवा राम राम करने वाले गोदी मीडिया गैंग विकास रोजगार की बात करने लगे हैं। तो वहीं विजयपाल सिंह लिखते हैं, काश आप भी ऐसे सवाल पूछते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से, 2 करोड़ नौकरियां कब आएंगी, 15 लाख का मिलेंगे, मगर आपने पूछा भी तो क्या टॉनिक कौन सा लेते हैं, अब क्या ही कहें, फिर आप लोग कहते हो गोदी मीडिया मत कहें, हमें पत्रकार हैं, चौथे स्तंभ के पतन का कारण आप लोग हो कोई और नहीं। जहां रूबिका लियाकत तेजस्वी यादव को घेरती हैं, तो वहीं तमाम लोग रूबिका लियाकत को घेरते हुए सोशल मीडिया पर नजर आ रहे हैं और हर कोई ये सवाल पूछ रहा है कि जिस हिसाब से तेजस्वी यादव से सवाल जवाब किए जा रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री से कभी इसका जवाब मांगा जाएगा, और क्यों गोदी मीडिया और भारतीय जनता पार्टी को ये अखरा है, क्योंकि ये जो दो स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, एक तरफ तेजस्वी यादव और एक तरफ नीतीश कुमार, इन दोनों ने आईना दिखा दिया गोदी मीडिया को और भारतीय जनता पार्टी को, जो ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के इस युग में नीतीश ने जो हिम्मत दिखाई है वो यकीनन काबिले तारीफ है। तमाम डर के बावजूद तेजस्वी यादव के साथ गठबंधन किया और भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखा दिया, जहां इन दोनों ने कोई बाड़ेबंदी नहीं की, विधायकों को किसी रिसोर्ट में नहीं रुकवाया, पानी की तरह पैसे बहाकर चोरों की तरह रात के अंधेरे में प्राइवेट जेट से जाकर साजिशें नहीं रची, ये बात कही जा रही है नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के लिए। सामने से पूरी ईमानदारी दिखाते हुए दिन के उजाले में एनडीए छोड़ी है, सब 143 सीटों वाली पार्टी के मुखिया ने 74 सीटों वाली देश की सबसे विशाल पार्टी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। आज नीतीश ने अपना कद बहुत बड़ा कर लिया है, मोदी शाह ने महाराष्ट्र समेत पूरे देश में जो किया उसके सामने नीतीश का अवसरवाद बहुत छोटा नजर आता है। हर आदमी अपनी स्वायत्तता बचा के रखना चाहता है। तो वहीं श्रवण लिखते हैं, भाजपा को धक्का तो लगा है पर वो उबर जाएगी, इससे बड़ा धक्का लगा था जब नीतीश और लालू ने सरकार बना ली थी, इन्होंने कार्यालय भी पूरा नहीं होने दिया, आ गए सरकार में और महाराष्ट्र और एमपी में भी इन्होंने हारी हुई बाजी जीती। हकीकत यही है कि जदयू का नीतीश के बाद कुछ भविष्य नहीं है, तेजस्वी राजद को और अखिलेश सपा को कहां तक संभाल पाएंगे, और संभाल पाए भी तो राज्य एक ही सिमट रहेंगे। ये ट्रेंड से पता लगता है कि बंगाल में ममता और उड़ीसा की पटनायक भी सीमित हैं, इसलिए भाजपा या तो इनके निगल लेखी या छुटभुइया के रूप में बचे रहेंगे। आज की राजनीति तो भाजपा ही तय कर रही है, भाजपा समर्थक नहीं हूं पर भाजपा हिलती हुई लग तो रही है, उनकी चिल्ले पर तो उनकी घबराहट नहीं स्ट्रेटजी का एक चीज दिखाई देती है।
जहां तमाम लोग ये कह रहे हैं और साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिना ईडी, आईटी और सीबीआई के डर के नीतीश ने जिस तरीके से आईना दिखाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी को, वो काबिले तारीफ है। और जब वो काबिले तारीफ है तो रूबिका लियाकत जैसी ना जाने तमाम पत्रकार मैदान में उतार दी गई हैं, जो ये कहती हुई दिखाई देती हैं कि साहब देखिए पलटू राम, देखिए पलट गए, किस तरीके से इन्होंने धोखा दिया। क्योंकि ये पलटू राम का जो छीछा लेदर है, वहां भी एक ही स्क्रिप्ट तमाम मीडिया चैनल में नीतीश कुमार के लिए नजर आ रही है, जिसमें सभी लोग अपनी बहती हुई गंगा में हाथ धो लेने की इस होड़ में कौन अव्वल आएगा, इन तस्वीरों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।